खरगोन को विश्वविद्यालय का दर्जा मिलने से भगवानपुरा क्षेत्र में खुशी की लहर। खरगोन जिले में विश्वविद्यालय खोले जाने की घोषणा के बाद से ही पूरे क्षेत्र में हर्ष व्याप्त है। भगवानपुरा शासकीय महाविद्यालय के प्रचार डॉक्टर प्रकाश सोलंकी ने बताया कि खरगोन क्षेत्र के लिए यह बहुत बड़ी सौगात है। क्रांति सूर्य टंटा भीलम विश्वविद्यालय खुलने से क्षेत्र में शिक्षा के सुधार होगा, साथ ही जनजाति बाहुल्य क्षेत्र में विद्यार्थियों को भी इसका लाभ मिलेगा और अब हमें विश्वविद्यालय से संबंधित कार्य के लिए इंदौर नहीं जाना पड़ेगा। भगवानपुरा ग्राम के सुनील जाधव ने इस सौगात के लिए शासन प्रशासन का धन्यवाद किया। गौरतलब है कि गत दिनों झाबुआ दौरे पर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा खरगोन जिले को एक बड़ी सौगात देते हुए जिले में क्रांति सूर्य टंटा भील के नाम से नवीन विश्वविद्यालय खोले जाने की घोषणा की थी। इसके बाद मध्य प्रदेश शासन के उच्च शिक्षा विभाग ने इसके लिए एक आदेश जारी कर दी। जिले में क्रांति सूर्य टंटा भील के नाम से स्वतंत्र विश्वविद्यालय बन कर दी है, तो वही इसके लिए विविध आदेश भी जारी कर दिया गया है। इस विश्वविद्यालय के खुलने से खरगोन के साथ साथ खंडवा, बुरहानपुर, बड़वानी और अलीराजपुर जिलों के छात्र को इसका लाभ मिलेगा। मैं डॉक्टर प्रकाश सोलंकी, प्राचार्य शासकीय महाविद्यालय भगवानपुरा। निश्चित रूप से खरगोन को जो सौगात मिली है बहुत बड़ी सौगात है, शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाएगा। क्रांति सूर्य टंटा भील विश्वविद्यालय जो की सौगात इस क्षेत्र को मिली है, इससे जनजाति बाहुल्य जो एरिया है, क्षेत्र जो है, उन विद्यार्थियों को इसका लाभ मिलेगा। अभी हम विश्वविद्यालय के किसी भी कार्य के लिए इंदौर जाते थे, अब यहाँ के विद्यार्थी सीधे खरगोन से जुड़ेंगे और ये विश्वविद्यालय जनजाति क्षेत्र के लिए, जनजाति विद्यार्थियों के लिए आर्थिक इंजन का काम करेगा। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में केंद्रीय गवर्नमेंट और राज्य शासन द्वारा जो हमारे क्षेत्र, ट्राइबल क्षेत्र, आदिवासी क्षेत्र को जो खरगोन में जो विश्वविद्यालय की जो सौगात मिली है, कहीं ना कहीं हमारे जो गरीब बच्चे हैं, इस क्षेत्र के जो बच्चे हैं, उनको पूर्णतः लाभ मिलेगा और हमारे क्षेत्र में शिक्षा का स्तर भी सुधरेगा। और हम माननीय मोदी जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र को कहीं ना कहीं निमाड़ में जो खरगोन जिला है उस में जो ये विश्वविद्यालय की जो सौगात मिली है, तो वो कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है और हम माननीय केंद्रीय नेतृत्व में माननीय मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। पूर्ववर्ती सरकारों ने ऐसे कई स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर अपनी राजनीतियाँ रोटी सेकी है, पर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो हमारे जनजाति स्वतंत्रता सेनानियों को जो मान सम्मान मिल रहा है, तो यह सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के ही नेतृत्व में, अन्यथा कहीं ना कहीं इतिहास के पन्नों में हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को पूर्ववर्ती सरकारों ने गायब कर रखा था, पर कहीं ना कहीं भाजपा ही एकमात्र ऐसी सरकार है जिन्होंने हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को आगे लाने का काम किया है और ऐसे हमारे गौरवों को आगे बढ़ाने का काम किया है। हम पुनः माननीय मोदी जी को धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। डिजियाना न्यूज खरगोन। निमाड़ की पल पल की खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारा चैनल डिजियाना न्यूज निमाड़ को सब्सक्राइब जरूर करें।